आज हम बात करने वाले फेसबुक मैसेंजर न्यू एरर के बारे में बात करने वाले दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे ही फेसबुक मैसेंजर पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरह से लोडिंग हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको फेसबुक मैसेंजर जो है यहाँ पर ओपन नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, आपने इस ट्रिक्स को फॉलो करनी है तो आप ईजी अपने मैसेंजर को यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रिक ये है कि आपने ये करना है, आपने प्ले स्टोर आपने यहाँ पर ओपन करना है, यहाँ पर मैं ओपन करना हूँ, यहाँ पर आपने सर्च करना है मैसेंजर। तो यहाँ पर मैं मैसेंजर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैसेंजर आपके पास यहाँ पर आपने क्लिक करने मैसेंजर पर, यहाँ पर इसको आपने अनइंस्टॉल करने, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने इसको अनइंस्टॉल कर लेने। इसके बाद फ्रेंड आपने ये करने, आपने बैक हो के आने, यहाँ पर ब्राउज़र आपने ओपन करने, ब्राउज़र तो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं गूगल क्रोम अप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैसेंजर ओल्ड वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सर्च करने मैसेंजर ओल्ड वर्जन, यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से एक पहला वाला लिंक आ जाएगा वेबसाइट। तो यहाँ पर आपने फेसबुक मैसेंजर ओल्ड वर्जन आपने इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत से आपको आ जाएंगे मैसेंजर के हवाले से। तो यहाँ पर दोस्तों हम ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ओल्ड वर्जन जो है आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते अपने मोबाइल में, न्यू वर्जन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करने ओल्ड वाले पे और यहाँ पर आपने इस ऐड को स्किप कर लेना, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर आपने दोस्तों डाउनलोड एपीके पर आपने क्लिक करने और नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको सेलेक्ट कर लेने। तो यहाँ पर जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों नीचे ये आप देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ फाइल कैन, तो आपने इसको ओके कर लेना। तो आप जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लोडिंग होगी। तो आप इस तरह से यहाँ से मैसेंजर आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।